नमस्कार भाइयों, आज हम KSB का पावर बूस्टर पंप फिट करने जा रहे हैं। ये आपके बाथरूम किचन सारी पाइपलाइनों का प्रेशर दोगुना डबल कर देता है और आप इसे घर पर आसानी से फिटिंग करा सकते हैं। ये आपका प्रेशर दोगुना चौगुना बहुत बढ़ा के रख देता है। ये आप इन्वर्टर से या लाइट से किसी से भी चला सकते हैं। ये बहुत कम वाट का होता है, चार्ज आपका आधे किलो वाट से भी कम होता है। ये देखिए, हम रीओपन कर रहे हैं। आपको इसके सारे सामान के बारे में, कैसे फिटिंग होता है, क्या होता है, सारे कुछ के बारे में हम आपको बताएंगे। ये हमने रीओपन करा है, आप देखिए इसमें ये चेक वाल आता है। ये आपको सबसे पहले यही फिट करना है, आपको आउटपुट वाली लाइन में ये, और बहुत हल्का चेक वाल होता है। ये आप शॉप से ख़रीदेंगे अलग से तो अलग से आपका चेक वाल काम नहीं करेगा। ये जो साथ में आता है, इसी वजह से कंपनी से साथ में देती है। आप किसी भी कंपनी का आप टिल्लू पंप बूस्टर पंप लेंगे तो आपको ये साथ में मिलेगा, क्योंकि अलग से कोई भी चेक वाला आप लेते हैं तो वो उसका दबाव कम होता है, टाइट जाता है। इस चक्कर में ये फ्री चेक वाल होता है तो ये कंपनियां साथ में ही देती हैं। ये देखिए, ये इसका मीटर है। आपको इसकी सेटिंग पहले देख लेनी है चला के, अगर सही है सेटिंग तो ठीक है, वरना आप प्रेशर के हिसाब से आप इसको देख सकते हैं। इतने पे सेट कर देनी है, हम आपको दिखाएंगे इसे कितने पे सेट करना है। आपका पावर बूस्टर पंप, काफ़ी प्लम्बर भाइयों को यही दिक्कत आती है कि वो टिल्लू पंप की सेटिंग कैसे करें। इसका प्रेशर ये स्टार्ट होने में यही दिक्कत रहती है कि आप टैप चलाओगे लेकिन स्टार्ट नहीं होती है, इसकी सेटिंग करनी पड़ती है। इसमें दो पेच दे रखे होते हैं, देख लीजिए भाइयों, ये आप इससे देख सकते हैं। सारा कुछ सेटिंग इसी से कर सकते हैं आप, इसमें सारा कुछ डिटेल होता है, आपको कुछ अलग से नहीं करना होता। आइए अब हम आपको इसकी फिटिंग के बारे में दिखाते हैं और बताते हैं। ये हम सबसे पहले इसकी पैकिंग को काट लेंगे। ये इसकी पैकिंग है और इसे सफाई से अच्छे से काटना है, जिससे कि आपको पानी का प्रेशर, पानी को जगह ज़्यादा मिल जाए और प्रेशर अच्छा मिले आपको। ये देखिए, हमने इसकी पैकिंग काट ली है। अब इसमें हम सबसे पहले ये चेक वाल फिटिंग करेंगे। इसका आपको खास करके ध्यान देना है, प्लम्बर भाइयों की हमेशा यही दिक्कत शिकायत रहती है कि ये चेक वाल काम नहीं करता। ये देखिए, हम आपको दिखाते हैं सही तरीके से कैसे काम करता है ये आपका चेक वाल। ये देखिए, आप आउटपुट में से फिटिंग कर देंगे, आपको इतनी बारीकी से इतने बढ़िया करके कोई नहीं बताएगा। हमारा नंबर वन फिटिंग यूट्यूब चैनल आपको एक एक बात बारीकी से बताएगा। ये देखिए, सबसे पहले आप इसे चेक वाल को कस लेंगे, पाइप रिंच या आप किसी की भी मदद से इसे कस सकते हैं। आप कोई भी पावर बूस्टर, ये देखिए प्लस भी है, पावर CR KSB की पावर बूस्टर प्लस, इसका प्रेशर अधिक होगा। ये हमने इसमें एक MTA भी ले लिया, MTA कस दिया। ये आपको 1x1 कर लेना है कम से कम, इससे कम नहीं लेना है, इससे ज़्यादा हो जाए लेकिन कम नहीं होना चाहिए। 1 इंची फिटिंग से आप, ये होता है कि आपको प्रेशर बराबर अच्छा मिलेगा। ये हमने इनपुट वाली लाइन पे MTA कस दिया। आपको बस यही ध्यान देना है कि चेक वाला आप इनपुट पे लगाएंगे या आउटपुट पे। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। बकाया हम आपको अभी इसके बारे में सारा कुछ बताते हैं, ये फिटिंग कैसे होता है। आप इसमें सबसे पहले एक यूनियन डाल लेंगे। यूनियन डालने से भाइयों, ये आप कभी भी मोटर को खोलना चाहें, कभी ख़राब होती है, आपकी रिपेयर होनी होती है, तो यहाँ से आप खोल के दोबारा से इसे खोल सकते हैं खुद से और लगा सकते हैं। अगर आपको कोई प्लम्बर नहीं मिलता है तो आप घर पे ही खुद से ही लगा सकते हैं, बदल सकते हैं। ये देखिए, ये हम यूनियन डाल देंगे पहली चीज़, और इसके बाद हम डालेंगे एक इसमें हैंडल वाल्व। हैंडल वाल्व का मतलब ये है कि आप जैसे कभी पानी आपको रोकना है या प्रेशर नहीं चाहिए या मोटर खोलनी पड़ती है आपको, तो आप यहाँ से इसका पानी बंद कर सकते हैं। स्टॉप वाल्व, आप स्टॉप वाल्व लगा सकते हैं।
और आप नहीं चाहें तो नहीं भी लगा सकते हैं, क्योंकि फिर आपके ऊपर डिपेंड रहेगा कि आप पानी को कहाँ से स्टॉप करेंगे। ये देखिए हम यहाँ से इसे स्टॉप कर सकते हैं कभी भी कहीं पे भी, तो आपको इधर उधर भागना नहीं पड़ेगा, वहीं की वहीं आप इसे स्टॉप कर सकते हैं। जो आपको आउटपुट वाली लाइन में ज़्यादा कुछ नहीं करना है, केवल एक यूनियन डालनी है और लाइन से ले जाकर जोड़ देना है। ये देखिए भाई हमने इसमें 1 इंची CPVC पाइप की फिटिंग करी है। ये हमारा अपोलो का पाइप है और ट्रूफ्लो हिंदवेयर का हमने इसमें सारा आइटम लगा रखा है। ये हमारी तैयार हो चुकी है, अब हम इसे जहाँ पे हमारी लाइन जा रखी है बाथरूम के लिए हम उसमें फिटिंग करेंगे। ये हमारी लाइन जा रखी है, हमने इसे कट कर लिया है, आप भी इसे कट कर लीजिए और जितना पास हो सके टैंक को उतना पास में लगाइए। उससे ये होगा कि आपको प्रेशर अच्छा मिलेगा, मोटर अच्छा चलेगी, प्रेशर पंप आपको अच्छा काम करके देगा। ये देखिए इसकी सेटिंग आप ऐसे कर सकते हैं, आपको कोई छेड़खानी नहीं करनी है। अगर आपका मोटर नहीं चलता है प्रेशर के मामले में तो आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं, और अगर नहीं फिर भी सेटिंग से नहीं होता है तो आप इसके टोल फ्री नंबर पर फ़ोन कीजिए, आपको 2 दिन के अंदर आदमी आकर सारा कुछ सही करेगा। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें।